हेलो, हैप्पी करवा चौथ। सो आज मैं आपके साथ रेडी होंगी करवा चौथ के लिए। तो मैंने सिर्फ अभी मॉइस्चराइज़र लगाया है, विच इज़ दिस वन ओरिजिन्स का जिनसिंग। तो ये लगाया है एंड आई विल गेट रेडी विद यू। तो लेट्स स्टार्ट। ये है मेरा बेका ज़ीरो प्राइम। ये फाउंडेशन है बट आई यूज़ इट एज अ प्राइमर। सो मैं ये हाथ से थोड़ा लूँगी एंड आई विल पुट इट ऑन माई फेस। इससे थोड़ा प्राइम हो जाता है, पोर्स ना इवन हो जाते हैं। एंड एक्सक्यूज माई नेल्स, मैंने भी नेल्स भी लगाने हैं ये वाले। इनको टाइम नहीं मिला नेल्स करने का। ये वाला जो प्राइमर है ये काफ़ी अच्छा। एंड देन हो गया मेरा प्राइमर एंड नाउ आई टेक दिस ब्रश। ये वाला ये है रियल टेक्निक्स का ब्रश 200 फाउंडेशन ब्रश। मैं ये लूँगी और ये फाउंडेशन लूँगी नार्स की एंड इसको लूँगी थोड़ा हाथ पे थोड़ी सी एंड आई यूज़ इट ऑन माई फेस। थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो मैंने फाउंडेशन लगा लिए है सारे इवनली एंड मैंने ये एज अ कंसीलर भी यहाँ पे यूज़ कर लिया है। सो एंड देन आई यूज़ दिस आर ग्लास की ये जो पाउडर है सेटिंग पाउडर आगलेस। मैं ब्रश लूँगी एंड आई यूज़ इट थोड़ा सा पाउडर। सो पाउडर के बाद आई विल टेक दिस बेनिफिट ब्राउ आई पेंसिल एंड मैं ये ब्राउज बनाऊंगी अपने, विच इज़ लाइक सो ये हो गए मेरे ब्राउज एंड मैं इसको थोड़ा एंड मैं इन्हें सेट भी करूँगी। एंड सेटिंग के लिए ये है बेनिफिट 24 आवर सेटर। ये ब्राउ सेट कर दिया था आपके जेल है। सो ये इसके ऊपर लगा लूँगी मैं। वैसे आपका करवा चौथ कैसा रहा मुझे ज़रूर बताना। खाने के बिना कितना मुश्किल है रहना, राइट? और पानी के बिना कितना मुश्किल है। तो वो है एंड ये रही मेरी ब्राउ सेटिंग जेल। नेक्स्ट इज माई आई शेडो विच इज ये मैं लूँगी ब्रश शेडो एक ब्रश ये वाला ले लूँगी मैं नेकेड आई शेडो पैलेट के साथ आया था ब्रश। ये वाली आई शेडो बिल्कुल लाइट शेड है ये लगाऊंगी। ये एक्चुअली मैं रेड में इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा ओकेजन है करवा चौथ का। सो ये ऑल ओवर द लिड मैं लगा लूँगी एंड फिर मैं ये वाला ब्रश लूँगी मैक 224 रेड आई शेडो लगाते हैं आज। ट्राई लेट्स ट्राई आउटर कॉर्नर्स पे। वैसे तो ये भी साथ में मैच हो रहा है। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं ये लगा के देखती हूँ। काफ़ी लाइट है ब्लेंड 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 में लगा लिया है रेड एंड देन दिस वन क्योंकि ये मेरे सूट में थोड़ा है ये वाला। तो मैं ये वाला यूज़ करके देखती हूँ। ब्रश लूँगी
ये 1 लीटर लूँगी, ये वाला 1 लीटर लूँगी, एंड ये लगाऊँगी मैं यहाँ पे। दिस इज कॉपर शेड, कॉपर, डार्क कॉपर। एंड मैं फिर से ये जो रेड वाला है ये ब्लेंड करूंगी अच्छे से, थोड़ा और लेके। सो ये मेरा शेड हो गया ब्लेंड। मैं लूंगी ये वाला ब्रश विच इज 1 लॉट 80 HP, एंड मैं ये वाला थोड़ा सा रेड लूंगी, और ये मैं नीचे और आइस के यहाँ पे लगाऊंगी, एंड हाफ में थोड़ा ये ग्लिटर वाला ये वाला लगा लूंगी। तो ये आई शेडो हो गया है मेरा, एंड और जो इनर कॉर्नर्स हैं उसके अंदर भी इसी ब्रश से मैं लगाऊंगी। ये वाला लगा लेते हैं इनर कॉर्नर्स पे, दिस वन। थोड़ा यहाँ भी लगा लेते हैं। तो ये हो गई मेरी आई शेडो, रेड एंड कॉपर। ये हो गया मेरी आईज आई शेडो, और मैं लगाऊंगी इसके ऊपर आई लाइनर लगा लेते हैं। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट कर्वलीशियस मेबलिन का। सो मैंने आई लाइनर लगा लिया है, और नाउ आई विल यूज दिस मस्कारा। पहले तो मैं मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा मैं ये वाला मैंने यूज़ किया था, पैट मैक ग्राथ लैब्स का। ये वाला काफ़ी फ्लेकी है, फ्लेक करता है, तो आई डोंट लाइक इट। मेरा ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा है लॉरियल पैराडाइज, ये यूज़ करते हैं। ये मेरा हो गया है मस्कारा, एंड नाउ आई यूज़ दिस कैस की ये लैशेज हैं मेरे पास, ये मैं लगाऊंगी। ये काफ़ी बार यूज़ हो जाती है, मैंने एक दो बार लगाई है पहले भी, एंड ये काफ़ी टाइम यू कैन यूज़ इट। ये ग्लू आएगी इसके साथ, ग्लू लगाएंगे हम। ये बस ये होता है थोड़े इनर कॉर्नर से ना निकलती रहती है ये लैशेस, तो ग्लू थोड़ी ध्यान से या इनर कॉर्नर्स पे ज़्यादा ध्यान से लगानी पड़ेगी। हाँ डाल यूज इट, ये लगानी इजी तो है नहीं है लैशेस, बट फिर भी यार ट्राई, थोड़ा टाइम लगता है। सो ये लग गई लैशेस, सो माय आई लैशेस इज डन। अब मैं लगाऊंगी, लास्ट रह गया है ब्रॉन्जर, थोड़ा फेस को कॉन्टोर भी कर लें। तो ये मैं लगा रही हूँ गार्लेन का ब्रॉन्जर, को मैं लगाऊंगी यहाँ पर, थोड़ी डिफाइन कर देता है ये फेस। सो ये ब्रॉन्जर हो गया है, एंड अब रह गया है हाइलाइटर भी लगता है अभी। तो ये मेरे पास हाइलाइटर है नताशा डेनोना सुपर ग्लो हाइलाइटर, नताशा डेनोना का। तो आई यूज दिस वन, तो ये थोड़ा सा ब्रश पे लगा के इसको हाई पॉइंट्स ऑफ द चीक्स यहाँ लगाएंगे, नोज, क्यूपिड बो, एंड I think that's it. And last but not least, my this Lavera ka blush. ये काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल natural blush है, तो ये लगा लेंगे, and ये मैं लगाऊंगी।
ब्लश, ब्लेंड 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 करके आपको सारा अच्छा सा लुक आएगा। लिपस्टिक रह गई है तो आई यूज माय लिपस्टिक, रेड लगाते हैं बिकॉज करवा चौथ है तो रेड लिपस्टिक। ये मेरी मैक की रेड लिपस्टिक है, मैंने कई बार आपको इस पर भी बताया है, मैक या इट इज़ रूबी वू। सो ये लगी मेरी लिपस्टिक, अब थोड़ा करवा चौथ है तो थोड़ा बनना तो पड़ेगा। एंड बिंदी रह गई है, बिंदी छोटी बिंदी लगाऊंगी बड़ी लगाऊंगी, मुझे आप ये ज़रूर बताना वीडियो में नीचे कमेंट्स में कि ये कौन सी वाली बिंदी मुझे सूट कर रही है। सो लेट्स ट्राई बोथ बिंदीज। एक तो मेरे पास ये बिंदी है विच इज़ दिस वन, या ये वाली आपको छोटी बिंदी अच्छी लगी या बड़ी बिंदी, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड अब मैं अपने ये नेल्स का कुछ करूँगी, इस नेल पॉलिश भी नहीं मैंने कुछ भी उतारा, तो मेरे पास ये मैं लेके आई थी नेल्स, ये है इम्प्रेस नेल्स एंड ये आते हैं या इम्प्रेस नेल्स हैं, इनको बस ऐसे ही लगाना होता है तो मैं ये लगा के दिखाती हूँ आपको। इतना टाइम नहीं मिला मुझे सब नेल्स वेल्स कराने का, और कोरोना में कौन जाए बाहर नेल्स कराने, सो इट इज़ बेटर ऑप्शन। डेली इसके अंदर नेल्स पड़े हैं, सो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर ये नेल आता है ऐसे एंड इसको बस पील ऑफ करना है, जैसे मैं ये दिखाती हूँ ये गोल्डन है, इसके अंदर ये पीलिंग का ऑप्शन है, इसको अंदर से पील करो एंड नेल लगा लो, कौन सी भी फिंगर पे आपने लगाना है। लेट्स ट्राई ये वाली फिंगर पे ट्राई करती हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा है, इस पे ट्राई करती हूँ ये वाली फिंगर पे, मिडल फिंगर। सो वाओ ये देखो बिल्कुल झटपट लग गया है। सो मैंने नेल्स लगा ली, ये देखिए ये नेल्स हो गए हैं और आई थिंक टेम्परेरी के हिसाब से ये काफ़ी अच्छे हैं बिकॉज बार बार कोरोना में कौन जाए नेल्स बनवाने, तो इट्स बेटर कि आप ये सिलिकॉन नेल्स लगा लें और ये आई थिंक काफ़ी टाइम चलेंगे। ये काफ़ी ग्लू इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है तो ये काफ़ी टाइम चलेगी। और इट इज़ रेडी, माई नेल्स आर रेडी, आई थिंक एवरी थिंग इज़ रेडी एंड That's it। ये थोड़ा सिंदूर लगा ले यही वाले लिपस्टिक से ही। राइट सो आई एम रेडी फॉर करवा चौथ। मैंने बैंगल्स भी पहन लिए, बैंगल्स आपको नहीं दिखाई, ये मेरी बैंगल्स है गोल्डन एंड आई एम रेडी फॉर करवा चौथ। और आप भी मुझे बताना ज़रूर कैसा रहा करवा चौथ एंड मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग अगले वीडियो में, मे बी दिवाली के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।